अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं नदीम महबूब और लाइव टीवी के प्लेटफॉर्म से एक अहम खुशखबरी आपको देने जा रहा हूं। पाकिस्तान का पहला सनती बेल टेक्नोलॉजी पार्क चेलम में कायम किया जा रहा है। इस क्याम से रोजगार के नए मौके मिलेंगे और बरामदाद में इजाफा भी होगा। इसकी तफसील में जाने से पहले डियर व्यूअर्स, आप लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा ताकि हमारा हौसला बड़ा रहे। कॉमसेट्स ने सदर मामलकत डॉक्टर आरफ अलवी ने के मुल्की तरक्याती विजन और जमहूरी चीन के रोड एंड बेल्ट मंसूबे के तनाजर में पाकिस्तान के पहले सनती बायो टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील के लिए काम की रफ्तार को दुगना करने का फैसला करते हुए जामे लायामल वजा कर लिया है। कॉमसेट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SM जनेद जैदी ने इस संबंध में मीडिया को बताया कि हाल ही में मुनक़द होने वाले एक आला सतही अजलास में सदर ममलकत और वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने जेल में कायम होने वाले पाकिस्तान के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया था। इसके लिए कॉमसेट्स ने एक जामे लयामल के खदोखाल को मुकम्मल कर लिया ताकि काम की रफ्तार को बिला तातल आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तरक्की में बायोटेक्नोलॉजी हर्बल मेडिसिन पार्क का किरदार असर हाजिर में माजी की निस्बत कहीं ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। गुज़श्ता साल जुलाई में इस जदीद बायोटेक्नोलॉजी पार्क के क़याम के फैसले का ऐलान हुआ था। यह पार्क जमहूरी चीन के रोड एंड बेल्ट मंसूबे का हिस्सा है। मफाहमत की एक यादाश्त के तहत कॉमसेट्स ने जेल में टॉर्च हाईटेक इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेंटर TIB त्याजिन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के तावन से पाकिस्तान के इस पहले बायोटेक्नोलॉजी साइंस टेक्नोलॉजी पार्क क्याम में अपनी मावनत फ्राहम करेगा। इस मंसूबे के लिए हुकूमत पाकिस्तान और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉमसेट्स को हर तरह की सहूलियात फ्राहम कर रही है। उन्होंने कहा कि कॉमसेट्स एक बैन अल-अक़वामी तंजीम है जो जनूबी खित्ते में पायदार तरक्की के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन की शक्ल में काम कर रही है और इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, जबकि चीन इस तंजीम के बानी अरकान में शामिल है जो तरक्की पजीर ममालिक की माशरती और माशी तरक्की में मदद फ्राहम करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबे में भरपूर तावन फ्राहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी खुसूसन बायोटेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना होगा, क्योंकि ज़रई बायोटेक्नोलॉजी में तरक्की ही तजारत महरकात को फ़रोग देने का बायस बनती है, इसलिए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की अव्वलीन तरजीह में शामिल है। कॉमसेट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर SM जनेद जैदी ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी चीन में पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने के इकदाम को सराहते हुए कहा कि तहकीकी और तरक्की के मनसूबों को मुल्क की समाजी और माशी जरूरतों के मुताबिक डालने अक्वामे मुत्तहिदा की तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते। इस जदीद बायोटेक्नोलॉजी पार्क के क्याम का बुनियादी मकसद साइंस मकाला जात तहकीक को फ़रोग देना है ताकि वो तालिब इल्म जो साइंस और टेक्नोलॉजी से मतलब जदीद सहूलियात हासिल करना चाहते हैं अपनी साइंसी तहकीक और सलाहियतों को मकामी सतह पर निखार सकें। डॉक्टर SM जनेद जैदी ने मजीद बताया कि गुज़श्ता साल बैन अल-अक़वामी साइंस तंजीमों के तहत ANSO की कॉमसेट्स ने रुकनीत हासिल की है, जो एक बैन अल-अक़वामी साइंस और टेक्नोलॉजी से मतलब एक फाल गैर सरकारी तंजीम और शी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर कौमी साइंसी तंजीमों का पहला बैन अल-अक़वामी साइंसी फोरम भी है। इसका मकसद मुश्तरका तहकीक और सलाहियतों को आगे बढ़ाना है। इस सिलसिले में मुश्तरका तहकीक और मंसूबों के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई थी, जिनमें कॉमसेट्स के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क्याम की तजवीज़ भी शामिल है। हाल ही में कॉमसेट्स ने मसनू इंसानत माहौलियाती अमूर रिस्क मैनेजमेंट रियाजी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तावन के लिए चीन के साथ मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत भी किए हैं। इस मफाहमत की यादाश्त के तहत माहौलियाती माशियात इकनॉमिक से मतलब चीन की साइंस और अकेडमी बरए साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ कंप्यूटर पर मबनी निज़ाम ग्रीन सप्लाई चीन की फ्राहमी मुमकिन हो सकेगी। जी व्यूअर्स, ये आज की बड़ी अहम अपडेट्स थी जो आप लाइव टीवी के प्लेटफॉर्म से देख रहे थे। मजीद ऐसी अपडेट्स जानने के लिए लाइव टीवी के साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको अच्छी अच्छी अपडेट्स देते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव पाकिस्तान के इमेज को बढ़ाने के लिए ऐसी अपडेट्स को जिसमें पाकिस्तान में डेवलपमेंट के हवाले से बात हो रही है अपने फ्रेंड्स में अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगले एक वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी नासर हो।